स्वागत है हमारे इस छोटी सी फैमिली में जिसका नाम है एस्टेन टेक, जहाँ आपको ढेरों टेक्नोलॉजीज और बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानकारियाँ दी जाती है। तो अगर आप हमारे इस फैमिली में इस चैनल पर नए हैं तो हमारा सब्सक्राइबर बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस फैमिली का मेंबर बने। तो आज का वीडियो जो है हमारा बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस को लेकर अभी का जो सिचुएशन है बहुत ही ख़राब जा रहा है, गरीबों के लिए भी और सभी लोगों के लिए। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, गरीबों का मदद करने के लिए हमारे सरकार ने, हमारे गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाया है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो आपके अगल बगल आसपास में अगर कोई है तो उसको ये जानकारी दे दें। अभी का जो सिचुएशन है कोरोना वायरस को लेके, तो गरीबों का भी हालत ख़राब है और मीडियम क्लास वाले लोगों का भी हालत ख़राब है। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक फ़ैसला लिया है कि मैं आपको बताऊंगा क्या फ़ैसला लिया है, तो आप वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सभी गरीब लोगों में 500-500 रुपये बांटने का फ़ैसला लिया है, वो भी 3 महीनों के लिए। अगर आप, मैं आपको दिखा देता हूँ ये बात सच है या नहीं, लेकिन ये जो 500-500 रुपये अकाउंट में आएंगे वो किन लोगों के अकाउंट में आएंगे और कैसे आएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो 500-500 रुपये आएंगे ये आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ये पैसा किस किस अकाउंट में क्रेडिट होगा, ये सिर्फ औरतों के अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। ये ना मेन के अकाउंट में, मर्द के अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट नहीं होगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये मैं बोल रहा हूँ या फिर सरकार बोल रही है। तो ये पैसा 500-500 रुपये जो 3 महीने तक आएगा, ये पैसा सिर्फ औरतों के ही अकाउंट में क्रेडिट होगा। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका अकाउंट जनधन योजना वाला ही अकाउंट हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे भी मैसेज आया, मुझे नहीं सॉरी, मेरे घर पे, घर के मोबाइल पे भी मैसेज आया था कि आपके अकाउंट में 500 रुपये क्रेडिट कर दिया गया है कोरोना वायरस के लिए, आप घर पे रहें और इस पैसे का इस्तेमाल करें अगर ज़रूरत पड़ रहा है तो। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये पैसा अगर आप नहीं निकालते हैं तो वापस चलेगा, लेकिन ये बात नहीं है। ये पैसा जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, ये पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई चिंता का बात नहीं है कि ये पैसा कट जाएगा या फिर वापस चला जाएगा। तो इसमें जल्दबाजी ना करेंगे पैसा निकालने में। मैं आपको बता दूंगा कि बताता हूँ कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ, हम आप व आपकी सुरक्षा के प्रति चिंतित हैं। आगामी 3 महीनों तक महिलाओं के जनधन खातों में ₹500, महिलाओं के खातों में, सिर्फ महिलाओं के खातों में ₹500 प्रति माह हिसाब के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पैसा जमा कराया जाएगा। यह पैसा आपको खाते में है, अतः आपका है यह पैसा, ये भी साफ लिखा जा रहा है, ये आपके खाते में है और आपका ही है। इसको निकालने के लिए जल्दी ना करें, इसको निकालने के लिए जल्दी ना करें, आराम से बैंक में जाएं, जब ज़रूरत हो तभी निकालें। फिर भी जो लोग, फिर भी यहाँ भी साफ लिख रहा है कि जो लोग तुरंत ही यह पैसा निकालना चाहते हैं उनके लिए अपने खाते के अंतिम अंकों के आधार पर निम्नलिखित तिथियों पर यह सुविधा दी जाएगी। मतलब कि आपका जो अकाउंट का खाता है, लास्ट अंक जैसे किसी का होगा 2, 5, 6 जो भी हो, तो उसी के हिसाब से खाता में पैसा निकाला जाएगा तुरंत। वो भी मैं बता दूंगा कि किस 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 अंक का, किस किस अंक का कितने तारीख को पैसा निकाला जाएगा जल्दी, अगर जिसको जल्दी है। और भी लिखा हुआ, जिससे बैंक शाखाओं, ग्राहक सेवा केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ ना हो व सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। ये तो साफ साफ लिखा जा रहा है। और हाँ, अब मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन अंक वाले कब कब पैसा निकाल सकते हैं। खाता के अंतिम अंक 0 और 1 के लिए 3 अप्रैल 2020 तक, 3 अप्रैल 2020 को, 1 के लिए 3 अप्रैल 2020 को, खाता के अंतिम अंक 2 और 3, 2 और 3 जिसका जिसका खाता के लास्ट में है वो पैसा निकाल सकते हैं 4 अप्रैल को, अगर जिसको अभी ज़रूरत है, अर्जेंट में ज़रूरत है, 4 अप्रैल को निकाल सकते हैं। खाता के अंतिम अंक 4 और 5 को वो निकाल सकते हैं 7 अप्रैल को, और खाता के अंतिम में जिसके है 6 और 7 वो निकाल सकते हैं 8 अप्रैल को जाकर।
और जिसके आखिर में है 8 और 9, वो निकाल सकते हैं 9 अप्रैल को जाकर, यानी कि आज से एक दिन बाद। तो ये आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं अगर आपको बहुत ही ज़रूरत हो तो। आगे भी कुछ लिख रहा है, 9 अप्रैल 2020 के बाद, 9 अप्रैल 2020 के बाद उपरोक्त खाता धारक अपनी सुविधा अनुसार किसी बैंकिंग कार्य दिवस के शाखा द्वारा इस राशि को अपने खाता से निकाल सकते हैं। 9 अप्रैल के बाद भी इस चिंता का बात नहीं है कि आपके खाता से ये पैसा कट जाएगा, 9 अप्रैल के बाद भी आप ये पैसा निकाल सकते हैं कभी भी। सभी खाता धारकों से अपील की जाती है कि बैंक शाखाओं में अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए अपने नज़दीकी किसी भी एटीएम पर अथवा बैंक मित्र ग्राहक सेवा केंद्र से रुपए कार्ड का प्रयोग करते हुए अथवा POS मशीन से अधिकतम ₹2,000 तक निकाल सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि बैंक में आप भीड़ ना लगाएं, आपके पास अगर एटीएम है तो ₹2,000 तक आप निकाल सकते हैं, सिर्फ 2,000 ही रुपये तक आप निकाल सकते हैं। और कृपया नोट करें कि भारत सरकार के निर्देशानुसार आगामी आदेशों तक अपने खातों से किसी भी एटीएम द्वारा रुपये निकालने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि आपका कोई भी एटीएम है और कभी भी एटीएम कार्ड है और आप कहीं भी हैं, कभी भी हैं, अगर आप पैसा विड्रॉल करते हैं तो आपसे कोई भी चार्ज, उस पैसा निकालने का चार्ज आपसे कभी नहीं लिया जाएगा। आप मन चाहे निकाल सकते हैं, 2,000 तक ही निकालने का है, लेकिन आप कितना बार भी निकालें आपसे पैसा नहीं काटा जाएगा। तो बस इतना ही, और मैं आपको मैसेज दिखा दूं कि मेरा जो घर का अकाउंट खुला गया था तो उसमें भी पैसा क्रेडिट हुआ। तो देखिए क्या लिखता है यहाँ, वी केयर फॉर यू अंडरस्टैंड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज सम ऑफ 500 PM हैज़ बीन क्रेडिट इन द अकाउंट ऑफ वुमेन जनधन योजना बेनिफिशियल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। PI कॉन्टैक्ट योर बैंक अकाउंट, बैंक या बैंक मित्र। तो मैं पैसा क्रेडिट का भी, जो पैसा क्रेडिट है वो भी मैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप शेयर नहीं कर सकते हैं, आप अगर सामने किसी गरीब के पास फ़ोन नहीं है या फिर कोई भी हो, उसको आप ये जानकारी दे दें कि आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है, आया आया होगा, आके रखा होगा, आप जानते नहीं हैं, तो आप चेक करें, अगर आपका मैसेज चेक करें, अगर आप में आया है, अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप इस पैसे को आराम से इस्तेमाल करें। अगर आपको बहुत जल्दी है तो मैंने जैसा कि बताया है कि कौन कौन लास्ट अंक वाले, डिजिट वाले कब कब पैसा निकाल सकते हैं जल्दी, अगर जिसको ज़्यादा जल्दी है तो अगर आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।